नमस्कार, हिमाचल प्रदेश आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल की हर ताज़ा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सोमवार की बात करें तो सोमवार में रिकॉर्ड 1200 मामले कोरोना के दर्ज किए गए, जो इस साल सबसे ज़्यादा मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना के रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केसेज 4000 के पास पहुँच चुके हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेज जो है वो जिला कांगड़ा में पाए गए हैं, जहां पर एक्टिव केसेस की बात करें तो 1000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं हमीरपुर मंडी में भी बहुत ज़्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि सीएम जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को जो है वो निर्देश यहाँ पर जारी किए और अपने अपने जिलाओं में जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर सख्तियाँ लागू करने के आदेश दिए हैं। आपको बताते चलें कि जिला कांगड़ा में भी जिला उपायुक्त द्वारा जो है वो बड़े आदेश जारी किए गए हैं और अब जो है दुकानों के खुलने का समय जो है आज से जिला कांगड़ा में सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहने वाला है। इसके अलावा जो है 7 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी जो शॉप्स हैं वही ओपन रहेंगी। इसके अलावा रविवार को भी जो है वो भी दुकानें सभी बंद रहेंगी। जिला शिमला की बात करें तो जिला शिमला में जो है आज से दुकानें 10 बजे से लेकर 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। शाम 7 बजे के बाद जो है सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी जिला शिमला में भी। तो इस तरह के जो है वो कड़े यहाँ पे निर्णय बहुत सारे जिलों में लिए गए हैं और आगे आने वाले सभी जिलों में जो है इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि ये टाइमिंग जो है वो अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ये सीएम जयराम ठाकुर ने जो है बड़े निर्देश यहाँ पे जारी किए हैं कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। इसके अलावा आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्टों की एंट्री हो रही है उसको भी यहाँ पर बंद किया जा सकता है, क्योंकि आपको बताते चले कि अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की यहाँ पे मीटिंग की थी और सभी राज्यों का यहाँ पर ब्यौरा मांगा था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है हाई अलर्ट सभी राज्यों को जारी किया है जहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जो है ये तैयारियाँ जुट गई है सरकार। ऐसे में जो है वो बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे और टूरिस्ट की एंट्री हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले दिनों में बंद की जाएगी, ऐसे फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा जो अंतर्राज्य जो यहाँ पर वाहनों की आवाजाही है उसको भी बंद किया जा सकता है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो आपके पास वाहनों आवाजाही होगी उसकी भी टाइमिंग यहां पे फिक्स की जा सकती है। कुछ इस तरह के बड़े निर्णय जो है आने वाले दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलने वाले हैं। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं पर, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी तक किसी भी तरह के प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा या फिर सरकारी स्कूल या सरकारी इंस्टीट्यूट द्वारा अगर किसी भी तरह के परीक्षाओं का शेड्यूल तय किया गया है तो परीक्षाएं अभी नहीं ली जाएंगी, ऐसा उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। और साथ में आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी जो भी यहाँ पर मूल्यांकन परीक्षाएँ होनी थी, टाइपिंग टेस्ट होने थे, सभी को जो है वो अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बड़े निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिए जा रहे हैं। तो बंदिशों पर बंदिशें जो है हिमाचल प्रदेश में लगाई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे जिलों में जो है यहाँ पर अनूठी पहल प्रशासन द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है। आपको बताते चले कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है बिना मास्क के दिखाई देता है तो उसका जो है तुरंत कोरोना टेस्ट करने के निर्देश जो है यहाँ पर सभी जिलों में दिए गए हैं। तो अब आप भी जो है वो मास्क का प्रयोग कीजिएगा, परंतु नहीं तो आपको जो है इस तरह की प्रक्रिया से जो है वो गुजरना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के फैसले जो है लिए गए हैं और सभी जिलों में जो है टाइमिंग अलग अलग हो सकती है दुकानों के खुलने और बंद होने की। इसके आदेश जो है वो जिला प्रशासन द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। फिलहाल के लिए जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है और स्वास्थ्य विभाग ने भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आने वाले दिनों में जो है आपको वीकेंड लॉकडाउन भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, उस पर भी हम आपको जो है वो जरूर अपडेट देंगे। इसके अलावा HRTC में आपको बताते चलें कि 258 पद जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के भरे जाएंगे। इसके लिए जो है RNP रूल संबंधित जो है अधिसूचना HRTC ने जारी कर दी है। ये पद जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरे जाएंगे। ये कुछ बड़ी खबरें थी हिमाचल प्रदेश में। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपको अच्छी लगेंगी। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करके जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।